ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवताणं दीन भुवन में सार नीच राग विज्ञान काम शिव स्वरूप शिव कार नमो त्रियोग समारी के पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित छह ढाला ग्रंथ में अपन तीसरी ढाल का स्वरूप देख रहे हैं और तीसरी ढाल में चौथे संघ का स्वरूप हमने देखा था। उसमें जीव की तीन अवस्था बताई, ये पर्याय में होने वाली तीन अवस्था का स्वरूप बताया। स्वभाव से देखे तो जीव तो एक ही है, पर्याय रूप से देखे तो तीन भेद किए जा सकते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा किसको कहा था कि देह और आत्मा को एक मानता है वह जीव बहिरात्मा है। अंतरात्मा जो देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानता है वह जीव अंतरात्मा है। और जो अपने आत्मा में परिपूर्ण रूप से लीन हो गया है वह जीव कौन है, वह जीव परमात्मा है। दो प्रकार के सम्यक दर्शन की बात आती है, एक तो होता है सराग सम्यक्त्व और एक होता है व्यवहार सम्यक्त्व। फिर से दो प्रकार से सम्यक्त्व का निरूपण आता है, व्यवहार सम्यक्त्व और सराग सम्यक्त्व और तीसरा वितराग सम्यक्त्व। तीन कौन कौन से आप बोलोगे चर्या बेटा? सराग सम्यक्त्व क्या है? हाँ, अभी आप पहले तीन नाम बोलोगे कौन कौन से बताएं? वितराग सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व। हाँ बराबर, अब समझना बराबर से। व्यवहार सम्यक्त्व माने क्या? आगम में तीन ऐसे नाम आते हैं, व्यवहार सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व और वितराग सम्यक्त्व। अब सम्यक्त्व तो एक ही है बराबर ना, पर उसके निरूपण तीन प्रकार से किए जाते हैं। अब व्यवहार सम्यक्त्व किसको कहते हैं? तो सात तत्व की जो भेद रूप श्रद्धा है ना, सात तत्व की जो भेद रूप विकल्प रूप राग रूप श्रद्धा है उसको कहेंगे व्यवहार सम्यक्त्व। क्या कहेंगे? व्यवहार सम्यक्त्व। राग है, सात तत्व का जो विकल्प है वो राग है, वो चारित्र गुण की पर्याय है, पर उस चारित्र गुण की पर्याय के ऊपर, उस राग के ऊपर सम्यक दर्शन का आरोप दिया जाता है और उस सम्यक दर्शन का आरोप देकर उस राग को, उस चार तत्व के भेद रूप विकल्प को व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। व्यवहार सम्यक्त्व है वो सात तत्व की भेद रूप श्रद्धा विकल्प को कौन से गुण का गुण की पर्याय है, तो चारित्र गुण की पर्याय। पर उस चारित्र गुण की पर्याय जो राग रूप है उस राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर उसको क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। ख्याल आ रहा है कि नहीं? क्यों के साथ में आत्मा की प्रतीति है ना, आत्मा की प्रतीति, आत्मा की श्रद्धा वो है निश्चय सम्यक्त्व। और उसके साथ जो सात तत्व की भेद रूप प्रतीति, भेद रूप विकल्प, वो सात तत्व की जो भेद रूप प्रतीति है, भेद रूप विकल्प है, वो है कौन से गुण की पर्याय? है तो चारित्र गुण की पर्याय। पर उस चारित्र गुण की पर्याय उस राग के ऊपर सम्यक दर्शन का आरोप करने में आता है और उस राग को क्या कहते हैं? व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। ख्याल है ना? उस राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप देकर कहते हैं कि उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है।
अब सराग सम्यक दर्शन क्या है? अब सराग सम्यक दर्शन है, अब सम्यक दर्शन के ऊपर, अब सम्यक दर्शन के ऊपर राग का आरोप दिया। अब सम्यक दर्शन तो निर्मल है, उसके ऊपर राग का आरोप क्यों दिया? क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ये अस्थिरता जन्य राग सम्यक दर्शन के साथ रहता है ना। चारित्र का दोष जो कहते हैं राग रूप पर्याय, राग रूप परिणमन जो होता है ज्ञानी को, तो वो सम्यक दर्शन के साथ है। सम्यक दर्शन के साथ होने से उस सम्यक दर्शन के ऊपर, उस श्रद्धा गुण की निर्विकल प्रतीति के ऊपर राग का आरोप, अब उस निर्विकल प्रतीति के ऊपर राग का आरोप दे रहे हैं। ख्याल आया ना? इसीलिए उस सम्यक दर्शन को कैसा कहा? सराग सम्यक दर्शन कहते। पहले राग के ऊपर सम्यक्त्व का आरोप दिया तो उसको कहेंगे व्यवहार सम्यक्त्व। अब सम्यक दर्शन के ऊपर राग का आरोप देंगे तो उसको कहेंगे सराग सम्यक्त्व। क्यों सम्यक दर्शन के ऊपर राग का आरोप दिया? है तो निर्मल पर वो राग उसके साथ रहता है ना। अस्थिरता जन्य राग सम्यक दर्शन के साथ रहता है, इसीलिए उस सम्यक दर्शन के ऊपर राग का आरोप देते उस सम्यक्त्व को कहते सराग सम्यक्त्व। दो हो गए चर्या बेटा। अब तीसरा, बीचरा सम्यक्त्व। जब भी शुद्धोपयोग की दशा होगी, यानी को जब भी शुद्धोपयोग की दशा होगी, तब तो कोई भी प्रकार का राग नहीं है ना। ख्याल आ रहा ना? क्योंकि उस समय तो उपयोग कहाँ जुड़ा है? आत्मा में जुड़ा है। तो वो जो सम्यक दर्शन है उसको कहेंगे बीचराग सम्यक दर्शन। बीचराग क्यों कहा? बीचराग है चारित्र गुण की पर्याय। अब कोई भी प्रकार का राग नहीं है उस समय, जब उपयोग आत्मा में जुड़ा है तो कोई भी प्रकार का बुद्धि पूर्वक का विकल्प नहीं है वहाँ पे, बुद्धि पूर्वक का राग नहीं है। इसीलिए शुद्ध उपयोग वाली जो दशा है उस दशा को कहेंगे बीजराग सम्यक्त्व। तीन प्रकार से सम्यक्त्व का निरूपण किया, व्यवहार सम्यक्त्व, सराग सम्यक्त्व और बीजराग सम्यक्त्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाल है ना? निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहा कि बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। अब फिर से तीन वेद जो किए ना पर्याय में, तो उस तीन वेद जो पर्याय में हुए उसका ज्ञान किसको होगा? बोलो, बहिरात्मा को होगा, परमात्मा को होगा कि अंतरात्मा को होगा? विकल्प रूप अवस्था, तीनों की विचार रूप जानने रूप अवस्था किसको होगी? अंतरात्मा को होगी। बहुत बढ़िया, क्योंकि परमात्मा को तो राग ही नहीं है। ख्याल आ रहा है ना? भले ज्ञान में सब जानने में आ रहा है पर राग रूप नहीं जान रहे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? वो विचार रूप नहीं है तीनों की अवस्था का। बहिरात्मा को तो तीन को क्या स्वरूप ही नहीं पता, तो विचार रूप तीनों का विचार कौन करता है? तो अंतरात्मा करता है। बोलते ना, व्यवहार जीव का ज्ञान भी यथार्थ किसको होगा? जिसको निश्चय जीव का सिद्धांत होगा उसी को व्यवहार जीव का सिद्धांत यथार्थ होगा। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय वाला, चार इंद्रिय वाला, मनुष्य वाला जीव कहना तो व्यवहार जीव है, और एक ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा कहना वो निश्चय से जीव है। समझ आ रहा है ना? जीव का भी निरूपण दो प्रकार से, व्यवहार से और निश्चय से। यथार्थ तो निश्चय और उपचरित तो व्यवहार। ज्ञानी को पता है कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में भी मेरा जायक तो जो का त्यो है, ये सब स्वांग है और उसमें एक चैतन्य तत्व तो उस रूप ही रहा है, वो कभी पर्याय रूप हुआ नहीं है। और जो पर्याय में ऐसे जायक को मानता है, जानता है, उसका पर्याय में बहिरात्मापना नाश होके अंतरात्मापना आएगा और परमात्मापना आए बिना रहेगा नहीं। ख्याल आ रहा ना?
जैसे बोलते ना अज्ञानी अपने को शरीर वाला मानने में कैसा निशंक है, ऐसे ज्ञानी अपने को शुद्धात्मा मानने में निशंक है, कोई शंका नहीं, क्योंकि एक शुद्धात्मा का ज्ञानी ने क्या कर लिया है, अनुभव कर लिया है। और एक अज्ञानी को हर समय श्रद्धा किसने अहम कर रही है, शरीर में संयोग में अहम पना चल रहा है। जैसे पंडित चोड़ामल जी ने लिखा है ना, प्राप्त पर्याय मा तन्मयी, जो भी पर्याय मिलती है ना उस पर्याय में ये अज्ञानी जी क्या कर लेता है, तन्मयी पना कर लेता है। और यानी कोई भी पर्याय हो बाहर में, कोई भी दशा हो अवस्था हो, तो भी वो अवस्था से अपने को कैसा मानता है, भिन्न मानता है। आगे जाते हैं, यहाँ पे तीन भेद किए थे अंतरात्मा के, उत्तम मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा में किसको लिया था, बारहवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को लिया था, जो द्विविध संग बिना अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रही एक शुद्धोपयोग दशा में घुलने वाले ऐसे मुनिराज जो निज आत्मज्ञानी है, ऐसे मुनिराज को उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। अब आ जाते हैं अपन पांचवें नंबर के छंद के ऊपर। ऊपर लिखा है मध्यम अने जगन्य अंतरात्मा तथा सकल परमात्मा। अब किसकी चर्चा है, किसकी चर्चा है, मध्यम जगन्य और सकल परमात्मा, तीन, बहुत बढ़िया, तीन जीवों की चर्चा आएगी। कौन कौन से तीन जीवों की चर्चा, अंतरात्मा और परमात्मा। हाँ, अब यहाँ पे मध्यम अंतरात्मा में किसको लिया, पहले अपन छंद पढ़ते हैं। मध्यम अंतरात्मा है जगन्य कहे सकल निकल सकल निकल अरहंत सकल परमात्मा लोकालो निहारी। बहुत बढ़िया। देखो अब कहते हैं जो देशव्रती है और जो अनगारी है, अनगारी में किसको लेना, मुनिराज को लेना, माने पंचम गुणस्थान से लेके ग्यारहवे गुणस्थान वाले जो है वो सारे जीवो किसमें आएंगे, मध्यम और मध्यम अंतरात्मा में आएंगे। ग्यारहवे वाले और बारहवे वाले दोनों की बीच रास्ता में कोई अंतर नहीं। ग्यारहवे वाले गुणस्थान का नाम क्या है, ग्यारहवे गुणस्थान का नाम है उपशांत मोह और बारहवे गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह। पर ग्यारहवे से नियम से नीचे गिरते हैं, इसलिए उन जीवों को किसने लिया, मध्यम में लिया। और उत्तम अंतरात्मा वाले नियम से तेरहवे में जाएंगे, इसलिए उनको उत्तम में लिया। दोनों की बीच रास्ता में कोई अंतर नहीं, क्योंकि ग्यारहवे और बारहवे में अब कोई भी प्रकार का राग नहीं है, पूर्ण वितराग दशा है, वहाँ बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक का राग नहीं है, बुद्धि पूर्वक का भी राग नहीं और अबुद्धि पूर्वक का भी राग नहीं। ख्याल आ रहा है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पे हमारे मुनिराज जिनको क्या कहा, यहाँ पे अनगारी अनगारी मुनिराज हमारे कैसे होते हैं, जो परद्रव्य में इष्ट निष्ठ बुद्धि नहीं करते, स्वरूप में लीन, बोलते ना दो ही काम है, क्या दो काम है, ध्यान और ज्ञान। अतः ना अपन भक्ति में गाते हैं ज्ञान और ज्ञान सिवा दूजा नहीं काम है, मैं ऐसे मुनिराज की शरण आ गया। क्या लग रहा ना, ऐसे हमारे मुनिराज है कि जो परद्रव्य में इष्ट निष्ठ बुद्धि नहीं करते, उपसर्ग के काल में भी अपने ज्ञान से च्युत नहीं होते, जैसे पार्श्वनाथ मुनिराज, कच्चू कुमार मुनिराज, सातसो मुनिराज, पांडव, ख्याल आ रहा ना, ये सारे मुनिराज सुकौशल सुकुमार
आदि जितने भी मुनिराज है ये सब उपसर्ग के काल में भी क्या कर लिए उन्होंने, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। हमें अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं है, मुनि दशा में क्या नहीं है, अशुभ उपयोग का अस्तित्व नहीं है। और जब छठे गुण स्थान में आते हैं तो 28 मूल गुण का क्या करते हैं, अखंड रूप से पालन करते हैं। सातवें में जाते हैं तो वापस स्वरूप में डुबकी मारते, और छठे में आते हैं तो वहाँ पे शास्त्र लिखने का, आहार आदि लेने का, 28 मूल गुण का पालन करने का क्या आता है, विकल्प आता है। फिर से वो विकल्प छोड़ के वहाँ कहाँ चले जाते हैं, निर्विकल्प दशा में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, लक्ष्मी में जाते हैं ना। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। ना ऐसे मुनिराज के दर्शन, भरत चक्रवर्ती जैसे चक्रवर्ती भी आहार लेने के लिए, आहार का जब समय हो जाता है ना, तब अपने आंगन में खड़े रह के किसकी राह देखते हैं। कोई मुनिराज हमारे आंगन में आए और हम उनको आहार दे और फिर क्या करेंगे, भोजन करेंगे। और कोई मुनिराज दिखते है ना, तो कैसा लगता है जैसे कि कोई हमारे आंगन में, हमारे घर पे कोई कल्प वृक्ष ही मानो आ गया। समझ में आ रहा ना, क्रूर पशु भी क्या हो जाते हैं, मुनिराज की शरण में आते हैं तो क्रूर पशु भी शांत हो जाते हैं। ना सैनिक राजा ने छोड़े थे ना, क्रूर हिंसक वो कुत्तों को छोड़े थे और वे भी क्या हो गए, शांत हो गए। ऐसे हमारे मुनिराज जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से कैसे हैं, रहित हैं। सौम्य मुद्रा के धारी, शांत मुद्रा के धारी, अहिंसक जीवन जिनका है, ऐसे तीन कसाई चौकड़ी के अभाव वाले, प्रचुर स्व संवेदन में जुड़ने वाले ऐसे हमारे कौन है, मुनिराज। ऐसे मुनि दशा तो ऐसी, पर जो पंचम गुणस्थान भक्ति श्रावक है, वो श्रावक का जीव भी ख्याल आ रहा है ना, इतनी पात्रता वाला होता है कि बस वो ग्यारहवीं प्रतिमा धारी, एल्लक और शुल्लक है ना, उसने बताया ना, तो भेद है ना ग्यारहवीं प्रतिमा के, तो उसमें मुनि पने की तैयारी करते हैं, मुनि दशा को धारण करने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। पंचम गुणस्थान में 11 भेद है और इस 11 भेद को 11 प्रतिमाएं कहते हैं। एक यहाँ पे कहा है पांचवे छंद में के, अब तीसरा जीव किसको कहा, जगन्य अंतरात्मा, उसने किसको लिया, अव्रति सम्यक दृष्टि। ख्याल आ रहा ना, वे भी अव्रति भले हो पर वे क्या है, सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि माने अब जिसके संसार का किनारा आ गया है, संसार के अंत का किनारा आ गया है। ख्याल आ रहा है कि नहीं, ऐसे जो अव्रति सम्यक दृष्टि है वो कौन से अंतरात्मा है, जगन्य अंतरात्मा है, इसको वेद ज्ञान प्रकट हो गया है, मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया है। अब थोड़े ही समय में वे जीव भी पुरुषार्थ करके, पंचम गुण स्थान प्रकट करके, मुनि दशा अंगीकार करके, श्रेणी मान के केवल जान लेके मोक्ष जाने वाले हैं। धर्म की शुरुआत, चौथे गुण स्थान वाले जीव माने धर्म की शुरुआत, ना धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी तो धर्म की वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि नहीं होगी तो पूर्णता नहीं होगी। कहते ना वेद ज्ञान के अभाव से ये जीव अनंत दुखी, और वेद ज्ञान के सद्भाव से जीव सुखी होता है। अभी तो चौथे में मात्र दृष्टि परिवर्तन हुआ, कोई संयोग नहीं बदले हैं, व्रत आदि को धारण नहीं किए हैं, इसलिए तो गुणस्थान का नाम ही अव्रति सम्यक दृष्टि। पर बड़े में बड़ा काम हो गया ना, कौन सी कसाई निकल गई, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई। अनंत संसार में रुलाने वाली जो कसाई थी वो कसाई चली गई। ख्याल आ रहा ना, पाया जल गए, अब वो भवन तो खड़ा होने ही वाला है ना। चारों अनियोग उनके जीवन में होता है,
द्रव्यान योग प्रकट हुआ तो चरणान योग भी है, करणान योग भी है और क्या है, प्रथमान योग भी है। समझ में आ रहा ना? कहते ना कि सम्यक दृष्टि जीव अन्याय अनिति और अभक्ति से कैसा होता है, रहित होता है। अब आगे जाते हैं, दो जीव बताए, कौन से दो जीव, सकल और निकल। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बिना कोई अंतरात्मा प्रकट नहीं कर सकता और अंतरात्मा के बिना कोई परमात्मा नहीं बन सकता। इसलिए तो कहते थे ना, भरत जी घर में ही वैरागी, बोलो महलों में रहते थे तो भी कैसे थे, वैरागी थे, क्योंकि राग की राग था पर राग की रुचि नहीं थी। हाला ना, स्वभाव की रुचि छूटती नहीं है और राग की रुचि होती नहीं है, उसका नाम ही वैरागी है। ऐसे ज्ञानी ज्ञानी का पुरुषार्थ कैसे भी उदयी संकट कैसी भी परिस्थिति के बीच में भी वो अपने स्वभाव की दृष्टि से छूट नहीं होते। इसलिए पूज्य बेंसी का बोल है ना कि आकाश में पतंग गम्मे क्या उड़े पर हाथ माथी जोर छूटे नहीं। एम यहाँ पे कहते हैं कि कोई भी उदय के बीच में भी ज्ञानी अपने श्रद्धा से छूट होते नहीं है। हर समय अपने को ज्ञायक मुख्य रखना है ना, ज्ञायक ज्ञायक की मुख्यता जिसको होगी उसको नियम से निर्विकल दशा आए बिना रहेगी नहीं। महिमा अपनी है, महिमा पर की नहीं, महिमा शुभ भाव की नहीं, महिमा सर्वक्षण ज्ञान की नहीं, महिमा व्रता जी की नहीं, पर महिमा किसकी है, महिमा अपने ज्ञायक की है। समझ आ रहा ना? अब यहाँ पे सकल और निकल परमात्मा, सकल और निकल परमात्मा, ये दो परमात्मा के भेद हैं। सकल परमात्मा के दो गुणस्थान बताए, कौन कौन से दो, 13वां और 14वां। और निकल परमात्मा के कौन से गुणस्थान हैं, तो बोलते गुणस्थान रहित है, गुणस्थान है ही नहीं उनके, उनके तो गुणस्थान ही नहीं है, गुणस्थान अतीत है। सकल परमात्मा जो है उनको अभी भी परम मौदारिक शरीर है। सकल परमात्मा के भी बहुत सारे भेद हैं, कि गुणस की अरियंत भगवान के भी अनेक प्रकार बताए ना दिनवाणी में, कोई तीर्थंकर केवली है, कोई साथी सही केवली है, कोई उपसर्ग केवली है, कोई अंतकृत केवली है, कोई सामान्य केवली है, कोई मुख केवली है, कोई दो तीन और सात कल्याणक वाले केवली है। समझ में आ रहा ना? ये सब किसकी अपेक्षा से भेद किए, ये सब खरेखर देखे तो अंतरंग से देखे तो उनके चतुष्टय में कोई अंतर नहीं। भले फिर कोई भी प्रकार के तीर्थंकर हो अरिहंत हो, उनके चतुष्टय में कोई अंतर नहीं, पर पुण्य के उदय से उनके बाहर के वैभव में अंतर पड़ता है। ख्याल आ रहा ना? आ रहा ना? बोलते ना, अब चार घाती कर्म का तो क्षय हो गया, पर चार अघाती कर्म का अब क्षय करना बाकी है। बोलते वो चार अघाती कर्म में तो कोई दम नहीं, क्योंकि जो दमदार थे ना चार घाती कर्म, और चार घाती में भी कौन सा सबसे ज्यादा ख्याल आ रहा, खतरनाक कर्म, निमित्त की अपेक्षा से बात कहे तो मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म का क्या कर दिया उन्होंने, सही कर दिया, मोहनी गया तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय भी चले गए। नारा ना, अब जो चार अघाती कर्म बाकी है उसमें कोई दम नहीं है, वो तो निकलने वाले ही है। नारा ना, श्रीमद जी ने तो कहा है वो चार अघाती कर्म कैसे हैं, बड़ी सिंदरी वत आकृति मात्र जो, जो जली हुई रस्सी होती है ना, तो वो जली हुई रस्सी के समान किसको बताया है, चार अघाती कर्म को। समझ आ रहा ना, कोई दम नहीं है, वो तो नष्ट होने ही वाले हैं। सिद्ध भगवान तो कैसे हो गए, सिद्ध भगवान तो चार घाती कर अघाती कर्म से भी हमारा ना अघाती कर्म का भी क्या कर दिया उन्होंने, नाश कर दिया है। ऐसे इसलिए आपने बताया सकल निकल परमात्मा तीन में घाती नहीं वाली। अब पहले तो अरिहंत भगवान की बात करेंगे,
तिनमें घाती कर्म किसने नाश किया? अरिहंत भगवान। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहार। हे भगवान, आप हमारे लिए आदर्श क्यों हो? हम आपके गुणगान क्यों गाते हैं? हम आपकी शरण में क्यों आते हैं? व्यवहार से कहे तो अरिहंत और सिद्ध भगवान शरणभूत है, और निश्चय से कहे तो जय देवालय में विराजमान कारण परमात्मा शरणभूत है। हम आपकी शरण में इसलिए आते हैं क्योंकि आप में दो विशेषता है। कौन सी दो विशेषता? तो गीत रागता और सर्वज्ञता। ख्याल आ रहा ना? पुण्य के उदय तो जगत में बहुत सारे अज्ञानी को भी दिखाई देते हैं। अज्ञानियों को भी पुण्य के उदय दिखाई देते हैं। तो पुण्य के उदय से, समो शरण से, परम औदारिक शरीर से, ओम ध्वनि के कारण से आप महान नहीं हो। आप महान तो किसके कारण से हो? वीत रागता और सर्वज्ञता से महान हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग में पुण्य की महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? पवित्रता की महिमा है। पूरा जगत किसके पीछे भागता है? पुण्य के पीछे। और मोक्ष मार्ग के ज्ञानी है वो किसके धारी होते हैं? पवित्रता के धारी होते हैं। ख्याल है ना? तो वही पवित्रता के धारी ऐसे जीव परमात्मा बने बिना रहते नहीं है। ख्याल है कि नहीं? अभी आपने कहा अरिहंत भगवान, चलो सिद्ध भगवान को तो नौ कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है और भाव कर्म नहीं है। लोकालोक निहारी, यहाँ पे अर्थ किया ना, लोकालोक निहारी माने पूरे लोक को क्या करने वाले हो? आप जानने वाले हो। समझ में आ रहा ना? ऐसा ज्ञान प्रकट हो गया है कि भूत का तो जान, भूत काल का तो जानते हैं, वर्तमान का तो जानते हैं, पर भविष्य का भी कैसे? वर्तमान वर्ष जानते हैं, भविष्य का वर्तमान वर्ष जानते हैं माने क्या? माने भविष्य में जो होने वाला है ना, समझ आ रहा, वो वर्तमान में जानते हैं। वर्तमान में भविष्य में जो होने वाला है, समझ में आ रहा ना, भविष्य के रूप में ही जानते हैं, वर्तमान के रूप में नहीं जानते। फिर से वर्तमान में जानते हैं, किसको जानते हैं? भविष्य को, भविष्य में जो होने वाला है। पर वो वर्तमान में कैसे जानते हैं कि ये भविष्य में होने वाला है, ऐसा वर्तमान में जानते हैं। ख्याल आ रहा ना? क्योंकि जैसे कि द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जलने वाली थी, तो भगवान के नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में 12 वर्ष बाद वो जलने वाली है ना। कौन मरने वाले हैं, कौन बचने वाले हैं, एक एक परमाणु सब कुछ उनके ज्ञान में झलक रहा था। पर उनके ज्ञान में कैसा झलक रहा था? कि वर्तमान में झलक रहा था, पर कैसे ऐसा ऐसी घटना भविष्य में 12 वर्ष बाद होने वाली है? समझ में आ रहा है ना? इसलिए तो क्रमबद्ध और सर्वज्ञता एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि सर्वज्ञता के बिना क्रमबद्धता की सिद्धि नहीं होगी, और क्रमबद्ध के बिना सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसे हमारे कौन? अरिहंत भगवान है। अब देखो छठे नंबर के छंद में अब ऊपर लिखा है निकल परमात्मा नु लक्षण अने परमात्मा ना ध्यान नो उपदेश। अब किसका निकल परमात्मा का लक्षण बता दे कि निकल परमात्मा कैसे है और परमात्मा के ध्यान का उपदेश देते हैं। अब पढ़ते हैं साथ में छठा नंबर का खंड, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्धमहंता के निकल आमर परमात्म भोगे कर्म अनंता वैरासम परमात्मा को जोई से आनंद पूजे। समझ में आ रहा ना? अब यहाँ पे ज्ञान शरीरी निकल परमात्मा को कैसा बताया? सरिया बेटा ज्ञान शरीरी बताया, लब्धी है, लब्धी भी है यहाँ पे, ज्ञान शरीरी लब्धी बेटा आप हो? नहीं, लब्धी नहीं है। ज्ञान शरीरी
अरिहंत भगवान, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान बराबर। सिद्ध भगवान को कैसा बताया? ज्ञान शरीर वाले बताया। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान को तो परम औदारिक शरीर है और सिद्ध भगवान को अब औदारिक परम औदारिक शरीर भी नष्ट हो गया है, इसलिए उनको एक शरीर बताया, कौन सा? ज्ञान शरीर। त्रिविध कर्म मल, त्रिविध माने कौन से? तीन, तीन कौन से कर्म? नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। समझ आ रहा ना? तीन कर्म। अब ये अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को तीनों कर्म से रहित हो गए, नौ कर्म से, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। पर मुझे आप बताना कि अरिहंत भगवान को तीन में से कौन कौन से हैं? नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, इन तीन में से कितने हैं और कितने नहीं है? उनको सिर्फ चार अघातिया कर्म है, बाकी सब के नाश हो गए हैं। नहीं, मुझे द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीन में बताओ। भाव कर्म में से तो मोह राग द्वेष तीनों ही चला गया है, तो भाव कर्म नहीं है। हाँ, द्रव्य कर्म में उनके चार अघातिया कर्म शेष है। बहुत बढ़िया, मैंने द्रव्य कर्म है। हाँ, और नौ कर्म में सिर्फ शरीर है, बाकी कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने नौ कर्म भी है, संयोग है ना, बाद में समोसरण आदि है, नौ कर्म है। हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने नौ कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है, पर भाव कर्म नहीं है। और सिद्ध भगवान को तो तीनों का क्या हो गया है? नाश हो गया है। त्रिविध कर्म मल, इन तीनों को क्या बताया? मल बताया। वर्जित सिद्ध महंता, वर्जित माने, वर्जित माने जिन्होंने नाश कर दिया, जिनको इन तीन मलिनता को नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध भगवान है। हम भक्ति में भी गाते हैं ना, कौन सी भक्ति है? शरीरी सिद्ध भगवान आदर्श सुनी मेरे माने आदर्श रूप में कोई हो ना अपने लिए, तो कौन है? सिद्ध भगवान है। इसलिए तो समयचार ने पहली गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने किसको नमस्कार किया? सिद्धों को नमस्कार किया। कुनकुन आचार्य देव ने उनकी पर्याय में किसको बुलाया? सिद्धों को बुलाया, सिद्धों की स्थापना की। समझ में आ रहा ना? और अमृत चंद्र आचार्य ने पहले कलश में, अमृत चंद्र आचार्य ने पहले कलश में किसको नमस्कार किया? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से रही ऐसा जो शुद्धात्मा है, ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार किया। कुनकुन आचार्य ने कार्य समयचार को नमस्कार किया, माने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। और अमृत चंद्र आचार्य ने कारण परमात्मा को नमस्कार किया, ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार किया। क्योंकि जो शुद्धात्मा को नमस्कार करेंगे वो पर्याय में कार्य परमात्मा हुए बिना रहेंगे नहीं, है ना? ख्याल आ रहा है कि नहीं? कहा ना कि कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा दो चीज होती है ना। कार्य परमात्मा माने जिसने पर्याय में द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म से रहित हो गए हैं। और कारण परमात्मा तो सभी है, निगोह से लेके सभी जीव कौन है? कारण परमात्मा है ना। सबका द्रव्य स्वभाव, द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म से कैसा है? रहित है। तो कारण परमात्मा का निर्णय करने से पर्याय में कार्य परमात्मा हुए बिना रहेंगे नहीं। स्वीकार करना उसका नाम ही पुरुषार्थ। हाल में मैं कैसा हूँ, जैसा देखो एक फॉर्मूला है, स्व और पर। हाँ, मेरे लिए स्व क्या और मेरे लिए पर क्या? सिद्ध भगवान को जो नहीं है ना, फिर से सिद्ध भगवान को जो नहीं है वो मेरे लिए पर। और सिद्ध भगवान के पास जो पर्याय में प्रकट हो गया है वो मेरे लिए स्व। ख्याल आ रहा है ना? सिद्ध भगवान को जो पर्याय में नहीं है, क्या नहीं है? तो शरीर वाणी मन, संयोग, स्त्री, घर, कुटुम्ब, पैसा, धन, धंधा आदि कुछ भी नहीं है। जो नहीं है वो मेरे लिए पर। और उनकी पर्याय में जो अनंत चतुष्टय, अनंत गुण जो पर्याय में प्रकट हो गए हैं वो मेरे लिए वो। समझ में आ रहा ना? फिर से,
सिद्ध भगवान को जो नहीं है वो मेरे लिए क्या है? पर। और सिद्ध भगवान को जो पर्याय में प्रकट हो गया वो मेरा वह है। हाँ लगा, क्योंकि ये सब भी जो अभी है ना प्रयोग, ये सब भी सब निकलने वाले हैं, उनका वियोग होने वाला है और स्वभाव का कभी वियोग होने वाला नहीं है। खाली ये विकल्प करके क्या होता है? दुखी होता है। एकत्व और ममत्व का दुख है, संयोग का दुख नहीं। किसका दुख है? एकत्व और ममत्व का दुख है। एकत्व ममत्व पना नष्ट होगा तो राग भी चलेगा और भाव कर्म जाएगा तो द्रव्य कर्म का नाश होगा, और द्रव्य कर्म का नाश होगा तो नौ कर्म का नाश हुए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ऐसे यहाँ पे कहा निकल ते है निकल अमल परमात्म। अमल अमल माने मल, मल से रहित हो गए, मलिनता के जिसने मलिनता का जिसने अभाव कर दिया, ऐसे निकल परमात्मा भोगे चर्म अनंता। चर्म माने सुख, ऐसे सुख अनंत सुख को क्या करने वाले हैं? भोगने वाले हैं। किसको भोगने वाले हैं? अनंत सुख को भोगने वाले हैं। ऐसे हमारे कौन है? निकल परमात्मा है। इसलिए तो पहली गाथा में कुनकुन आचार्य देव ने कहा है ना, क्या कहा है कि सिद्ध भगवान प्रतिबिंब के स्थान पे है। प्रतिबिंब माने जैसा बिंब होता है ना, वैसा ही प्रतिबिंब होता है। तो जैसा मेरा स्वरूप है ना, वैसा ही पर्याय में सिद्ध भगवान को प्रकट हो गया है। इसलिए सिद्ध भगवान को किसके स्थान पे रखा? प्रतिबिंब के स्थान पे रखा। जैसा बिंब वैसा प्रतिबिंब, जैसा मेरा स्वरूप वैसा सिद्ध भगवान ने अपनी पर्याय में प्रकट कर लिया है। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान है कारण और कार्य। कारण की दृष्टि करेंगे तो पर्याय में हम भी भगवान हुए बिना रहेंगे नहीं। जैसे गुरुजी कहते थे ना, भगवान छो अने भगवान थाओ। क्या कहते थे? बदा भगवान छो ने भगवान थाओ। भगवान छो ये द्रव्य स्वभाव के लिए कहते थे और भगवान छाओ ये पर्याय स्वभाव के लिए कहते हैं। बिंदी पीपल का उदाहरण देते थे ना, इतनी ताकत है शक्ति है इसलिए घुटने पर, जिसने पर वो पर्याय में व्यक्त होती है। एक निगोद के जीव में भी भगवान बनने की क्या है? ताकत है। इसलिए हम किसी को औदयिक भाव से नहीं देखेंगे, हम सबको कैसे देखेंगे? पारिणामिक भाव से देखेंगे। किसी को क्षयोक्षम ज्ञान से नहीं देखेंगे, किसी को कोई पर्याय बुद्धि से नहीं देखेंगे, किसी को रागी नहीं देखेंगे, किसी को द्वेषी नहीं देखेंगे, किसी को क्रोधी नहीं देखेंगे, क्योंकि ये सब क्षणिक अवस्थाएं हैं और इसमें कोई टिकने वाला हो तो मेरा कारण परमात्मा है। कैसा कैसे पाठ पढ़ाए हमको गुरुदेव जी, गुरुदेव जी की अपार करुणा कि हमको ऐसी कारण परमात्मा की दृष्टि कराई, सुखी होने का मार्ग बताया, भगवान होने का मार्ग बताया, बहिरात्मा का त्याग करके अंतरात्मा होने का उपाय बताया, और जो जीव अंतरात्मा होंगे वो नियम से भविष्य में परमात्मा होंगे। अब दो लाइन नीचे की है, उसमें बहिरात्मा माने हे ही कौन है, प्रकट करने लायक क्या है और ध्यान करने लायक कौन सी दशा है। बहिरात्म बहिरात्म का हे जानी माने बहिरात्म हे उपाधेय में बात करो तो बहिरात्म दशा जो है बहिरात्म दशा जो है, अंतरात्म दशा जो है वो प्रकट करने लायक उपाधेय है। हुजे माने होने लायक है और परमात्म का ध्यान निरंतर करने लायक है। इसे कहा ना व्यवहार से किसका ध्यान करने लायक है? परमात्म का। और निश्चय से किसका ध्यान करने लायक है? हाँ, अपने आत्मा का, कारण परमात्मा का ध्यान करने लायक है। क्योंकि जो अपने परमात्मा का ध्यान, अपने स्वभाव का ध्यान करेगा और व्यवहार में परमात्मा का ध्यान करेगा, परमात्म का ध्यान करेगा, वो पर्याय में सुखी हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए जो नित आनंद पूजे माने वो आनंद को प्राप्त हुए बिना रहेगा नहीं। कहते ना एक समय का सिद्ध भगवान का सुख और एक समय का निगोज की अवस्था का दुख, दोनों का क्या नहीं हो सकता?
वर्णन नहीं हो सकता, सुख का भी वर्णन नहीं हो सकता और जो दुख भोगे है उस दुख का भी क्या नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी दुखमय दशा का हम त्याग करें और सुखमय दशा की हम प्राप्ति करें, ऐसी भावना भाए, ऐसा पुरुषार्थ करें और परिणमन करके इस संसार का त्याग कर दे, नाश कर दे और कभी हमको वापस संसार में आना ही ना पड़े, ऐसी परमात्मा दशा को प्राप्त करेंगे। क्योंकि एक बार परमात्मा होने के बाद परमात्मा में से कभी वापस जीव बहिरात्मा नहीं होता, समझ में आ रहा है ना। ऐसी परमात्मा दशा को हम प्राप्त करें और हम अनंत काल तक सिद्धालय में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी यहाँ पे पूरा करती हूँ, है ना। इसके बाद जो तीन छंद है वो अपन शाम के स्वाध्याय में देंगे। हमारी स्तुति करोगे, बोलिए।